तो राम राम भाई, क्या हाल है? जो सारे बढ़िया हो गए, नहीं हो तो जल्दी जल्दी बढ़िया हो जाओ। तो भाई, ये जो मसला चल रहा है एलविश यादव का, कि पहले वीडियो देखो जब बताऊंगा सारी चीज़, कि मार दिया, होठ सुजा रखा, गुद्दी तोड़ दी, स्पाइन तोड़ दी, फलाना तोड़ दी, ढिमकाना, जो कुत्ता के भौंका है, वो सारी वीडियो देखो भाई। उसके बाद मिलता हूँ मैं तुम्हें, एक बार जाओ। और इस चीज को प्रूव करूंगा, पर उससे पहले लड़ाई किस बारे में हुई, क्यों हुई, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। मैं सीधा पॉइंट पे बढ़ता हूँ। एलविश ने जो लोकेशन दी थी वो उसके घर की लोकेशन थी या फिर किसी के तो घर की लोकेशन थी, और मेरा इंस्टिंक्ट बोला कि मुझे उसे अपने लोकेशन पर बुलाना चाहिए जो एक पब्लिक लोकेशन हो। अब मेरे को यही था भाई कि जो भी गलतफहमी है डिबेट से सॉल्व करो। अगर आपको लगता है आप सही हो तो आप डिबेट करो, मेरे को लगता है मैं सही हूं मैं डिबेट करूंगा। तो कुल मिला के शब्दों से ही जीतना था इस चीज को, और मैंने पूरी तैयारी की थी। मैंने वहां पे सोफा वोफा सब लगाया था कि जब एलविश भाई आएंगे तो वहां बगल में बैठेंगे, ये वो फलान ठिकाना। लेकिन जैसे ही वो आए, एक तो अटैक करना शुरू कर दिया, ऊपर से बहुत सारे बंदों के साथ आए, ऊपर से ये भी नहीं था कि वन ऑन वन फाइट हो, उसके साथ उसके कुछ बंदे थे वो भी मदद कर रहे थे उसकी, इस तरीके से मदद कर रहे थे कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे को दो तीन लोगों ने पकड़ लिया था अगल बगल से। अब जब लड़ाई हुई, लड़ाई के बीच में ही एलविश ने मेरे को लगभग ये अपने घुटनों से नाक पे मारा, कई बार हाथों से मेरे सिर्फ मुंह पे मारा, और जब मारा उसके बाद उसने बगल से एक फोन भी उठाया जो दूसरे एंगल पे रिकॉर्डेड है, और फोन से मेरे स्पाइन पे मारा। और आप सभी को पता है अगर स्पाइन पे गलती से भी स्पाइन टूटता है तो आप जिंदगी भर के लिए लावारिस हो सकते हो, अपाहिज हो सकते हो। तो उसके बावजूद उसने मारा मारा, और उसके बाद उसने क्या किया, जान से मारने की धमकी भी दे दी। अब जान से मारने की धमकी एक दो बार नहीं दी, मल्टीपल टाइम्स दी, कम से कम जितना मुझे पता है 3 बार तो दी ही थी उसने धमकी जान से मारने की, और ऑफ कैमरा भी उसने कई बार जान से मारने की धमकी दी। अब ये सब होने के बाद जब लड़ाई वड़ाई खत्म हो गई तो उसके बाद वो वापस जा रहे थे, तो वो जो बंदे लाया था उनमें से कुछ बंदे मेरे को, मतलब होता ना एक प्यार से धमकाने वाला सीन कि भाई सॉरी बोल दे, क्यों ले रहा पंगे ये वो, भाई मैं तो अपने चीजों पर अटल था, मैंने बोला मैं सॉरी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने गलती तो की नहीं है। उसके बाद एलविश ने भी थोड़ा ट्राई किया था सॉरी बुलवाने के लिए, लेकिन मैंने उसको भी सॉरी नहीं बोला। और ये सब जब हुआ तो शुरू में मेरे को लगा मेरे को सिर्फ यहां चोट आई है क्योंकि मेरे को कहीं पे भी दर्द फील नहीं हो रहा था, तो मेरे को शुरू शुरू में सिर्फ यहां चोट आई। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद मेरे को यहां पर दर्द होना शुरू हुआ, और फिर 2 से 3 घंटे बाद मेरे पूरे स्पाइन में दर्द होना शुरू हुआ। और इस तरीके से हुआ कि मैं सो ही नहीं पाया। सुबह 4 बजे मैंने सोने का ट्राई किया था, मैं दोस्त के घर साकेत गया हुआ था, मैंने सोने का ट्राई किया, अनफॉर्चुनेटली मैं दर्द से सो ही नहीं पाया। उसके बाद हम जब ये जब दर्द हो रहा था तो हम गए वहां पे मैक्स हॉस्पिटल साकेत के मेडिकल निकलवाने, तो उन्होंने मना कर दिया विदाउट FIR नहीं होगा। तो मेरा यही था, मेरा दिमाग शॉक में था, FIR हमने की नहीं थी। फिर हमने डिसाइड किया कि दोपहर के 12 बजे के आसपास हम FIR करेंगे लॉज, और उसके बाद मेडिकल करवा लेंगे पुलिस की मदद से ही। तो हम गए FIR करने। अब जब FIR करने गए तो हमने पूरा बता दिया कि भाई ये सेक्शन लगाना है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, साफ साफ दिख रहा है। तो जो SHO थे उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। उसके बाद SHO अपने इंस्पेक्टर के फोन में कॉल करते हैं, बोलते हैं कि पूरे इसको ना पब्लिक मत करना, गुप्त तरीके से रखना, हम लोग गुप्त तरीके से लड़ेंगे। मेरे को तभी डाउट था कि FIR को दबाने की कोशिश की जाएगी, और वही हुआ। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एलविश के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने FIR में लिखवाई थी, अटेम्प्ट टू मर्डर का एक भी सेक्शन नहीं है उसमें। तो कुल मिला के मैं क्या समझूं, अगर आपके पास पैसा हो तो आप FIR भी बदल सकते हो। मतलब हरियाणा में इस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है कि एक बंदा आता है मारता है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, उसको पुलिस पकड़ के लेके नहीं जाती। यहाँ पे इस बात को 24 घंटे हो चुके हैं और वो बंदा अभी हंस रहा होगा कि उसको कोई पकड़ के नहीं ले गया, उसको फर्क ही नहीं पड़ा होगा। मैं हरियाणा के CM खट्टर जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस गुंडे एलविश यादव को अरेस्ट करवाओ, इसका बैकग्राउंड बहुत खराब है। जिस तरीके से यूथ को इंस्पायर कर रहा है, वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, उससे साफ साफ पता लग रहा है यूथ बहुत गलत वे में मोटिवेट हो रही है इससे, और ये चीज बहुत ही खराब है। तो खट्टर जी, मैं इंडिया के कानून पे बहुत भरोसा करता हूं, लेकिन अगर यहां पे नाइंसाफी हुई तो एक तरीके से बहुत सारे लोगों को ये तो समझ में आ जाएगा कि इंडिया का कानून सिर्फ गरीबों के लिए बना है, अमीरों के लिए नहीं बना है। तो मैं नहीं चाहता कि ये कानून भी, ये FIR भी दब जाए, और साफ साफ पता लग रहा है दबाने की कोशिश की जा रही है इस FIR को। अगर ये FIR दबता है तो ये इंडिया के कानून की हार है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा गुरुग्राम पुलिस को और खट्टर जी को इस ट्वीट में टैग करो, और उनपे उनको रिक्वेस्ट करो कि एलविश यादव को जितनी जल्दी हो सके, इस गुंडे को जितनी जल्दी हो सके अरेस्ट करा जाए, क्योंकि
क्योंकि अगर कोई भी ऐसे मार के निकल जाएगा और फिर अपने स्टोरी में डालेगा कि भाई वर्क डन, तो खुल्लम खुल्ला यही है कि वो वायलेंस को प्रमोट कर रहा है और उसको पता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो एक तरीके से ये इंडिया के कानून की हार है। तो अभी जो मैं FIR लिखवा के आया था, मुझे उसकी कॉपी भी नहीं मिली और मुझे लगता है मिलेगी भी नहीं। बोला तो वैसे सुबह मिल जाएगी, लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आर्टिकल में साफ साफ दिख रहा है कि FIR के जो सेक्शन है वो बहुत अलग किए गए हैं। तो इंडिया के कानून का मजाक ना बने, तो आप लोगों से एक आखिरी बार रिक्वेस्ट है, CM खट्टर जी को गुरुग्राम पुलिस के ऊपर टैक्स अटैक किया जाए, ताकि ये मामले को वो लोग सीरियसली ले। इन द एंड अगर इस बीच में मुझे कुछ भी होता है, मेरे पे कोई भी जानलेवा हमला होता है, इसके जिम्मेदार एलविश यादव होगा, या फिर उसके दोस्त होंगे, या फिर गुरुग्राम पुलिस होगी जिसने मेरे FIR को पूरा का पूरा बदल दिया और पता नहीं क्या FIR लिख दिया। और ये इंडियन कानून की बेइज्जती है, ये तो मैंने देख लिया। कुछ नहीं भाई, अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो कुछ भी कर सकते हो, ये तो मैंने देख लिया भाई। तो भाई तब सबने देख ही लिया, एल्विस ने इसकी होठ सुजा रखे, इसकी नाड़ तोड़ दी, इसका सिर फाड़ रखा। तो इसने सारी चीज़ उस पर भाई पैसे केस लगवाए हैं जिससे कि वो अरेस्ट हो जा। तो यो सीधा सीधा एक एक सीधी सीधी बात बतावे कि यो सारा फेम खाना चाह रहा एल्विस का, और कुछ नहीं है भाई कुछ भी। अरे सीधा यार एल्विस से नुगा दे जाके भाई कि मुझे तेरे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख फॉलोअर चाहिए, वो वैसे दुआ देगा तुझे। वो मुंह से कह देगा कि इसे फॉलो करो, आके तू कुत्ते की ढाल भोंक रहा, मेरी नाड़ तोड़ दी, वीडियो में भी दिख रहा। चल उसने तो गाली दी है भाई, एक हाथ से कभी ताली ना बाजे करते। दूसरी बात, देसी है, हम भी दही तोड़ा कर रहे हैं, अगर हमारे खिलाफ कोई कंट्रोवर्सी पे आओगा मारी गल डंडा चढ़ा देंगे भाई भीतर। तो दूसरी चीज़ भाई, सबसे मेन चीज़ हम एल्विस या आर्मी से कहना चाह रहे हो बात, कि अब तक उसे इतना सपोर्ट करा और आज उसे डीमोटिवेट कर रहे किस चीज़ को लेकर, कि वो मुनावर के साथ वो क्रिकेट टीम का जो भी मैच था उसे लेके और इस झगड़े को लेके कि ये तो गुंडा है, फलाना ढिमकाना जो भी है। जैसा भाई कल सपोर्ट करा ना, आज भी उसे थारी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो भाई उसे सपोर्ट करो। दूसरी चीज़, हर आदमी भाई गलत नहीं होता। वो यहाँ यहाँ से यहाँ जा लिया, यहाँ तभी ऊपर जा लिया, उन्हें आसमान छू लिया भाई, थारे बस की कदी नहीं है। तो तुम उसके खिलाफ भोंक ही सको और कुछ नहीं कर सकते। तो भाई मेरा तो एक चीज़ कहने का मतलब है कि एल्विस को सपोर्ट करो, 70 कुत्ते भोंके हैं, भोंकन दो, कोई चक्कर नहीं। तो यू कह रहा कि अटेम्प्ट टू मर्डर, अबे सिर फट गया तेरा, तू इतना बड़ा बदमाश हो गया, तुझे वो मारना चाह रहा होगा, तेरे से कोई उसकी पर्सनली दुश्मनी है, कंट्रोवर्सी पर तू आया उसके साथ, वो आया। तो भाई इस चीज़ को अपना रखो, तुझे फेम खाना वैसा खा ले, हर आदमी से कह दे कि मुझे फॉलो कर लो, भीख मांग के भगवान कसम देगा फॉलो करवा ले, बतेरा करता है माँ कसम दे करवा ले। तो भाई हम इतनी कहना चाहें कि एल्विस को सपोर्ट करो और कुछ ना भाई, हम भी दिल से सपोर्ट है एल्विस भाई, कोई चक्कर नहीं, खुल के खेल, कोई दिक्कत नहीं। आज तक तो उसने किसी पर हाथ नहीं उठाया, अब से पहले एक तो उसे उठाया तो उन्हें उसे माँ बहन की गाली बकी थी, इस पर उठाया इसने, इसे कंट्रोवर्सी पाया, यो राह चलते को तो ना मारता किसी को, तम तो पड़ी लकड़ी ले रहे हो, जब भी तो मारा गए हो, वो तो थारे होठ सुजा रहा। अरे तू कह रहा है स्पाइन तोड़ दी, भाई तू सीधा बैठा, नींद नहीं आ रही, मेरे होठ पे वार करा, इसके वर्डिंग देखो, मेरे होठ पे वार करा, मेरी 2 घंटे मेरे यहाँ दर्द हुआ, 2 घंटे बाद फिर 4 घंटे बाद मेरी स्पाइन में दर्द हुआ, फिर मेरे कुल्ले में दर्द हो रहे, समझ गया। तो भाई इतना ही मैं कहूँगा, एल्विस को सपोर्ट करो, कुछ नहीं है तो 100 कुत्ते भोंके हैं ना, भोंकन दो। बाकी भाई राम राम सबको, एलिस भाई खुल का खेल, कोई चक्कर नहीं।